बिहार तक करता है कर्नाटक तक का स्वागत। इस प्रकरण के पीछे वही लोग हैं जो राजद को आज तक सरकार में आने नहीं दिए, पुनः जो है कि भड़का के और माननीय तेज प्रताप जी तेजस्वी जी को जो है अलग करना चाहते हैं। फूट डालो वाले नेता जो है अगर इस तरीके का स्क्रिप्टेड ड्रामा करेंगे तो ये इस तरीके से भी त्याग करने के लिए तैयार है। देखिए सारा अभी जो भी ये स्क्रिप्टेड ड्रामा चल रहा है मार्केट में, उस पूरे ड्रामा का वजह ये है, बीते दिनों 10 सर्कुलर रोड पे मैडम राबड़ी जी के आवास पे जो इफ्तार पार्टी रखी गई थी, उस इफ्तार पार्टी में माननीय तेज प्रताप जी अपने भाई और पूरे परिवार के साथ जब दिखे तो विरोधियों में ये खलबली मची कि परिवार पुनः एकजुट कैसे दिखा। उसके बाद जो विरोधी खेमे के लोग हैं जो परिवार को एकजुट नहीं देखना चाहते हैं वो एक स्क्रिप्टेड ड्रामा जो है तैयार किए और उसी ड्रामा के जो है हीरो के रूप में रामराज जी आए। तो रामराज जी को मैं बताना चाहता हूं कि आप जिस व्यक्ति के ऊपर ये ड्रामा कर रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, अगर आपके साथ ऐसा हुआ भी है तो जिस दिन हुआ उस दिन आपने FIR क्यों नहीं दर्ज किया। आप जो है दो चार दिन बाद आपको जो स्क्रिप्ट लिख कर दे रहा है उसके बहकावे पे आप आज अपने नेता के प्रति इस तरीके का गलत आरोप लगा रहे हैं, तो माननीय तेज प्रताप जी को मानने वाले लोग कतई इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उनके लिए हर हद को पार करने के लिए तैयार हैं। अपने नेता के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले व्यक्ति को हम लोग जो है कि छोड़ेंगे नहीं। दूसरी चीज कि वो उनके आरोप में ये बताया गया कि वो आदरणीय लालू जी को गाली दिए, पूरा देश देख रहा है, इस युग का कोई नौजवान नहीं होगा जो अपने पिता का पैर धो के पिएगा। आदरणीय श्री तेज प्रताप यादव जी ने अपने पिता और इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हमारे नेता आदरणीय लालू जी का जो है पैर धो के पिया है, ऐसा जो है कि पुत्र इस युग में होना जो है कि मुश्किल है। दूसरा चीज उनके भाई के प्रति यानी कि माननीय तेजस्वी जी को जो है गाली देने का जो आरोप उन्होंने लगाया, तो मैं आपको बता दूं कि जो व्यक्ति ज्येष्ठ पुत्र होने के बावजूद विरासत के अनुसार विरासत ज्येष्ठ पुत्र को मिलता है और वो अपने आप से समझौता करके अपने अनुज को बिहार का मुख्यमंत्री के लिए प्रमोट करते हैं, ऐसे व्यक्ति के प्रति गलत विरोध करना और ये स्क्रिप्टेड जो ड्रामा लिखा गया है जो कि ऑलरेडी फ्लॉप है, क्योंकि पूरा बिहार यानी देश की जनता जानती है कि माननीय तेज प्रताप जी अपने भाई के लिए अपने पिता के लिए कितना प्रेम रखते हैं, वैसे व्यक्ति पे इस तरीके का भद्दी भद्दी टिप्पणियां और आरोप लगाना जो कि कार्यकर्ताओं के लिए पैदल चलकर, आपने ये भी देखा होगा बीते दिनों जयप्रकाश जी की जयंती के अवसर पे जब माननीय तेज प्रताप जी गांधी मैदान से और उनके कदम कुआं स्थित आवास तक पैदल चलकर गए और पैर में छाले भी पड़े, ऐसे व्यक्ति के प्रति इस तरीके का भद्दा आरोप लगाना निंदनीय है और कंप्लीट रूप से गलत है। इस प्रकरण के पीछे कौन है? इस प्रकरण के पीछे वही लोग हैं जो राजद को आज तक सरकार में आने नहीं दिए, पुनः ये वही लोग हैं जो कि मतलब जानते हैं कि जब भाई भाई एक हो जाएंगे तो हमारा जो है दाल नहीं गलने वाला है। वैसे ही लोग हैं जगदानंद जैसे लोग जो है कि भड़का के और माननीय तेज प्रताप जी तेजस्वी जी को जो है अलग करना चाहते हैं। जब इस्तीफा अभी ट्विटर या सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, क्या इसमें कितनी सच्चाई? आप ये बताइए कि जो व्यक्ति जो युवा आदरणीय लालू जी के पद चिन्हों पे चलते हुए गरीब गुरबो युवा नौजवान के लिए जमीन पे उतरकर सड़क पे उतर के और 24 आवर एक्टिव होके काम करने वाले नेता आदरणीय तेज प्रताप जी के प्रति अगर इस तरीके से गलत जो है स्क्रिप्टेड ड्रामा किया जाएगा उन्हीं के पार्टी के अंदर, तो वो निराश होकर और क्या करेंगे, जो कि अपने छोटे भाई के लिए मुख्यमंत्री का कुर्सी तक नेता प्रतिपक्ष भी अपने छोटे भाई को उन्होंने बनाया और हर तरीके से समझौता अपने भाई के लिए किया और उन्हीं के पार्टी के कुछ जो है फूट डालो वाले नेता जो है अगर इस तरीके का स्क्रिप्टेड ड्रामा करेंगे तो ये इस तरीके से भी त्याग करने के लिए तैयार है।